टेकी प्राइम एपिसोड 6 में आप सभी दर्शकों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इस सप्ताह के चुने गए कुछ खास चुनिंदा टेक न्यूज। तो इस वीडियो को आगे आप देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड वाले बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं ट्राई टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर की बात करें तो वो है वीवो की तरफ से। दोस्तों वीवो ने हाल ही में अपना एक नया स्मार्टफोन Y71 के नाम से इंडिया में लॉन्च किया है। और अगर बात की जाए उसके स्पेसिफिकेशन की तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 5.99 इंच का HD+ रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। इसमें लगाया गया है Qualcomm Snapdragon का 425 चिपसेट, 3GB RAM, 16GB इंटरनल स्टोरेज, 13MP प्लस 5MP का कैमरा। साथ ही में दोस्तों इस फोन के अंदर फेस अनलॉक का फीचर मौजूद है। और इसकी अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉयड ओरियो, जिस पर से फंटच के 4.0 की लेयरिंग दी गई जो कि वीवो का खुद का UI है। उसके बाद इसमें लगाई गई है 3000mAh की बैटरी। और अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो वह है 10,990 रुपये। अब दोस्तों 10,990 रुपये के प्राइस पे ये फोन लॉन्च किया गया है तो दोस्तों बिल्कुल भी ये फोन लेने लायक नहीं है इस प्राइस पे। अगर इसकी कीमत 9,000 या फिर 9,500 रुपये होती तो ये फोन बिल्कुल भी लेने लायक होता। लेकिन दोस्तों इस प्राइस पे अगर हम बात करें दूसरे स्मार्टफोन की तो वहाँ पर आप ऑनर का 9 Lite जो कि 3GB और 32GB स्टोरेज के साथ में आता है, वो फोन आप इसकी जगह पर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली खबर की बात की जाए तो वो है दोस्तों Xiaomi की तरफ से। दोस्तों Xiaomi का अगला जो नया स्मार्टफोन होने वाला है Xiaomi Mi 6s जो कि 25 अप्रैल को चाइना के अंदर एक लॉन्च इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है। अगर बात करें इसके कुछ लीक स्पेसिफिकेशंस की तो इस फोन के अंदर होगा ड्यूअल रियर कैमरा पिछले Xiaomi Mi A1 या फिर Mi 5X की तरह। यहाँ पर जो ड्यूअल रियर सेटअप होगा उसमें होगा पहला जो मेन सेंसर होगा वो है 12MP और जो सेकेंडरी सेंसर होगा वो होगा 8MP का f1.8 अपर्चर के साथ में। और यहाँ पर जो फोन का फ्रंट कैमरा होगा वो होगा f2.0 के साथ में 20MP का। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इसके स्क्रीन साइज की तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है 5.99 इंचेस का स्क्रीन जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन से लेस होगा। और दोस्तों इसमें हो सकती है 2910mAh की बैटरी, तो यहाँ पर Mi A1 से भी कम कैपेसिटी। यहाँ पर अगली खबर की बात की जाए तो वो है एप्पल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एप्पल अपने पिछले साल की तरह यानी कि iPhone 7 और iPhone 7 Plus का जो रेड वेरियंट आया था उसी तरह दोस्तों यहाँ पर iPhone 8 और iPhone 8 Plus का रेड वेरियंट लॉन्च कर दिया गया है। अगर बात करते हैं इसकी कीमत की तो यहाँ पर iPhone 8 की 64GB वाले की प्राइस है 67,940 रुपये, और यहाँ पर 256GB वाले की प्राइस 81,500 रुपये। अगर बात करें 8 Plus की तो यहाँ पर 8 Plus का जो 64GB वेरिएंट है वो मिलेगा 77,560 रुपये में, और दोस्तों यहाँ पर 256GB वाले की कीमत है 91,110 रुपये। तो ऐसे में दोस्तों एप्पल का ये जो रेड वेरिएंट वाला फोन है iPhone 8 और iPhone 8 Plus का ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। हालांकि iPhone 7 और iPhone 7 Plus और iPhone 8 और iPhone 8 Plus की अगर कंपैरिजन की जाए तो आप iPhone 8 और iPhone 8 Plus में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में iPhone 7 ही लेना ज़्यादा बेहतर होता है, उसकी प्राइसिंग भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें अगले खबर की तो वह है दोस्तों Xiaomi को लेकर। दोस्तों Xiaomi का एक नया गेमिंग स्मार्टफोन Xiaomi Black Shark जो कि 13 अप्रैल को चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और 20 अप्रैल से ये बिक्री के लिए शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए इसके शुरुआती कीमत की तो वो है 31,100 रुपये, और दोस्तों ये फोन दो वेरिएंट्स में देखने को मिलेंगे 6GB रैम और 8GB रैम। और दोस्तों बात की जाए इसके कुछ फीचर्स की तो इस फोन के अंदर होगा लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी जो कि हम देखने को हमें मिलते हैं कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप्स में, जो कि गेमिंग खेलते वक्त या फिर फोन को हाई एंड यूज करने के बाद जब फोन गर्म होती है तो बहुत जल्द उसको ठंडा करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उस फोन के अंदर। उसके बाद दोस्तों बात की जाए उसके हार्डवेयर की तो उस फोन में है लेटेस्ट चिपसेट Qualcomm Snapdragon 845 जो कि बनाया गया है 10nm टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि वर्क करता है 2.2GHz ऑक्टाकोर के ऊपर। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर एड्रिनो का 630GPU देखने को मिलेगा जिससे गेमिंग की ग्राफिक्स जो होगी वो काफ़ी कमाल की होगी। और अगर बात की जाए कैमरा सेटअप की तो यहाँ पर देखने को मिलता है ड्यूअल रियर कैमरा 20MP प्लस 12MP का f1.8 अपर्चर के साथ में और 20MP का फ्रंट कैमरा। तो दोस्तों Xiaomi Black Shark स्मार्टफोन 31,000 रुपये के प्राइस पे। यहाँ पर अगली खबर की बात की जाए तो वो है एंड्रॉयड ऑटो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड ऑटो के यूजर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, अब आप इसको वायरलेस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। पहले था दोस्तों कि आपको अपने एंड्रॉयड ऑटो को इस्तेमाल करने के लिए अपने फोन से USB टाइप पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ता था तब जाकर आप इसको कर पाते थे, लेकिन दोस्तों अब आप इसको वायरलेस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे अपने फोन के वाईफाई से कनेक्ट करके बिना किसी ड्राइवर के इंस्ट्रक्शन के। तो दोस्तों फिलहाल जो ये फीचर है ये इस्तेमाल कर पाएंगे वो लोग जिनके पास है नेक्सस का फोन या फिर दोस्तों गूगल पिक्सल। फिलहाल के लिए यही दो फोन्स के लिए फीचर मौजूद है, आगे चलकर धीरे धीरे ये iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए
आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं अगली खबर की, तो वह है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस में अब एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट मिलना शुरू हो गया है। फिलहाल अब ये चाइना के लिए है, धीरे धीरे अदर कंट्री के लिए भी और इंडिया के लिए भी ये ऑफिशियल तरीके से अनाउंस कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉयड ओरियो के साथ साथ यहाँ पर सैमसंग के खुद के एक्सपीरियंस UI का भी अपडेट मिल रहा है, जो कि है वर्जन 9.0। और ये दोस्तों प्रीवियस वर्जन से काफी अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें काफी सारे फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे कि फेस अनलॉक फीचर को भी ऐड किया गया है। और हर किसी खास एप्लीकेशन के सिक्योरिटी के लिए अब आप आयरिस स्कैनर और फिंगरप्रिंट स्कैनर को छोड़ करके यहाँ पर अब आप फेस अनलॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर बिक्सली और AR स्टिकर्स जैसे फीचर भी इसमें मौजूद किए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर बिक्सली का जो टूल है वो आपके अब कीबोर्ड में देखने को मिलेगा, जो कि रियल टाइम ट्रांसलेशन में आपकी काफी ज्यादा मददगार होगा। तो ऐसे में दोस्तों अब एसेट यूजर के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी वाली बात है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अगली खबर की, तो वो है दोस्तों iPhone 6s को लेकर। जी हाँ दोस्तों, iPhone 6s Plus को अब एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की तैयारी में है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एप्पल के 3 ऐसे फोन्स है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा उसकी मांग हो रही है, iPhone SE, iPhone 6s और iPhone 6s Plus। तो दोस्तों ऐसे में iPhone 6s एक ऐसा स्मार्टफोन बनेगा जो कि दूसरा ऐसा स्मार्टफोन बनेगा जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा iPhone SE के बाद में। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर iPhone 8 और iPhone 7 और iPhone 10 की मांग इंडिया में उतनी ज्यादा नहीं है, और 6s लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं। हालांकि उस प्राइस पे एंड्रॉयड फोन्स में देखा जाए तो काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन मौजूद है, लेकिन फिर भी जो भी लोग आईफोन ही पसंद करते हैं उनके लिए एप्पल ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। और इससे दोस्तों हम एप्पल यूजर्स को, फिलहाल हम तो नहीं लेकिन जितने भी एप्पल यूजर्स हैं उनको फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 5-7% तक प्राइस में कटौती होने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें अगले खबर और अंतिम खबर की, तो दोस्तों वो है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S9 Mini जो कि चाइना के सर्टिफाइड वेबसाइट टीना पे लिस्ट किया गया है। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S3 और S4 के बाद, यहाँ पर S3 मिनी और S4 मिनी के बाद यहाँ पर डायरेक्ट S9 मिनी स्मार्टफोन आ रहा है। बीच में सारे मिनी को गैप कर दिया गया है। और दोस्तों S9 मिनी की अगर कुछ फीचर्स, लीक फीचर्स की बात की जाए, तो इसमें हो सकता है आपको दोस्तों 5.8 इंचेस का 2K डिस्प्ले, उसके बाद इसमें हो सकता है ड्यूअल रियर कैमरा 12+12 मेगापिक्सल का, और साथ ही में इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है, 3000mAh की बैटरी हो सकती है, और ये दो वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है 4GB और 64GB में। तो दोस्तों ऐसे में अगर S9 प्लस देखते हैं कि कब तक S9 मिनी कब तक लॉन्च किया जाता है और कब तक ये फोन इंडिया में आता है, और इंडिया में आने के बाद इसकी प्राइसिंग क्या होती है। अगर दोस्तों इसकी प्राइसिंग 40,000 के नीचे रही तो ये फोन काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है हम एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। तो दोस्तों आज के इस टेक न्यूज में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।